मध्य प्रदेश के मोरेना नेड़े सुखोई 30 अते मिराज 2000 जहाज हादसा ग्रस्त हो गया। इलाके दे विच खोज ते बचाव कार्य जारी। सूत्रों के हवाले दस रहे हैं कि इलाके दे विच बचाव कार्य जारी है। दोवें जहाजा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे तो उड़ान भरी सी, जिस तों बाद हादसा ग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के मोरेना नेड़े सुखोई 30 अते मिराज 2000 जहाज हादसाग्रस्त दसिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले तो जानकारी निकल के सामने आई है। हालांकि इलाके दे विच खोज अते बचाव कार्य जारी है। दोवें जहाजा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे तो उड़ान भरी सी। इलाके दे विच खोज अते बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। इस वेले की वड्डी खबर तुहानू दस रहे हां कि मध्य प्रदेश दे विच एक खबर सामने आई है कि हादसा होया ते हादसाग्रस्त जहाज हो गया। ग्वालियर हवाई अड्डे तो उड़ान जो है जहाज ने भरी सी। मोरेना नेड़े सुखाई 30 अते मिराज 2000 जहाज हादसाग्रस्त होया। सूत्रों के हवाले तो जानकारी मिल रही है कि इलाके दे विच खोज ते बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीर भी देख सकते हो कि किस तरीके नाल अग की लपेट दे विच बुरी तरीके नाल जहाज आ चुका है। धुआं आसमान दे विच अगदा उठ रहा है। तस्वीर साफ गवाही भर रही ने कि किस तरीके नाल यह हादसा वापरिया है ते हादसा ग्रस्त जहाज हो चुका है। इस वेले की वड्डी खबर तुहाडे सामने है। मध्य प्रदेश के मोरेना नेड़े सुखोई 30 अते मिराज 2000 जहाज हादसा ग्रस्त होया। सूत्रों के हवाले तो जानकारी सामने आ रही है कि इलाके दे विच खोज अते बचाव कार्य जारी है। तस्वीर तुहाडे सामने। हादसे दे विच दो पायलट गंभीर तौर से जख्मी भी दसे जा रहे ने। हालांकि उन्होंने इलाज के लिए लिजाया गया है। गंभीर तौर पर जख्मी ने दोनों पायलट जिनका इलाज किया जाएगा। तस्वीर भी तुसी देख सकते हो कि किस तरीके नाल बुरी तरह अग लग चुकी। जहाज नूं अग दा धुआं आसमान दे विच उठदा होया दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स भी रवाना हो चुकी है। सूचना मिलते ही जो है पुलिस फोर्स भी घटना स्थल पर पहुंची है। हादसे वाली जगह पर पुलिस फोर्स पहुंच रही है ते बचाव ते राहत कार्य भी जारी ने। देख सकते हो कि जंगली इलाका देखा जा रहा है। आसपास जंगल है जिथे हादसा वापरिया हादसाग्रस्त जिथे जहाज हो है। आसपास पूरे जंगली इलाका पेड़ पौधे ने जिथे हादसा वापरिया। हालांकि इलाके दे विच खोज ते बचाव कार्य लगातार जारी है। दो पायलट जो ने वह गंभीर रूप दे विच जख्मी दसे जा रहे हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मध्य प्रदेश दे विच इस वक्त यह हादसा वापरिया जिसके बारे जानकारी अपने माध्यम के राही असी तुहानू दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान दसे जा रहे ने। जानकारी तो सामने आया है कि इंडियन एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान ने जो कि हादसाग्रस्त हुए ने। दो पायलट इस हादसे के विच गंभीर रूप दे विच जख्मी दसे जा रहे ने। जख्मियों को अस्पताल दे विच ले जाया जा रहा है। तस्वीर भी गवाही भर दिया ने कि कितनी बुरी तरीके नाल ये हादसा वापरिया। मध्य प्रदेश के मोरेना नेड़े सुखोई 30 अते मिराज 2000 जहाज हादसाग्रस्त हो चुका है। जानकारी तो सामने आया है कि लड़ाकू जहाज जो सन ये अभ्यास कर रहे सन जिस वक्त ये हादसा वापरिया। ट्रेनिंग के दौरान हादसाग्रस्त लड़ाकू जहाज हुए।
हालांकि कारण की रहा है इसके पिछे उसका हाले तक खुलासा नहीं हो सकता है कि इस घटना के पिछे कारण की रहा है उसके बारे जानकारी नहीं मिल सकी है। सूत्रों के हवाले तो खबर सामने आई है कि जो है राहत बचाव कार्य जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर तो उड़ान भरी सी, ट्रेनिंग जो है वो चल रही सी, जिस तो बाद यह हादसा वापरिया। हालांकि कारण की रहे ने वो सामने नहीं आया, कारण का खुलासा हाले तक नहीं हो सकिया। सुखोई 30 ते मिराज 2000 जहाज हादसा ग्रस्त हुए ने। तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं किस तरीके अग लग चुकी है, दोनों जहाजों अग दे विच लिप्त जहाज नजर आ रहे ने। इलाके दे विच बचाव कार्य लगातार जारी है। दसा जा रहा है कि ट्रेनिंग दे दौरान हादसा ग्रस्त दोनों जहाज हुए ने, दो पायलट भी गंभीर रूप दे विच जख्मी दसे जा रहे हैं। इस वक्त की वड्डी खबर जी पंजाब राणा हिमाचल से तुम देख रहे हो। इस खबर से वधेरी जानकारी दे लई साडे पत्रकार करतार सिंह साडे नाल जुड़ चुके ने। जी करतार, क्या जानकारी अब तक की सामने आई है? देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर वो बताया जा रहा है, उसने उड़ान केकनपुर हवाई अड्डा वहां से भरी। हालांकि अधिकृत जानकारी अभी तक कोई नहीं मिल सकी है, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो पहाड़गढ़ के जंगलों में, पहाड़गढ़ जो इलाका आता है मरना मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है, वहां जंगल में हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। जैसे एक जो पायलट है उसकी वहां दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि अधिकृत तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से वहां देखने को मिल रहा है तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक व्यक्ति की वहां एक जो पायलट है या वो पायलट जो भी है उनकी वहां मौत के हादसे में हुई है। दो पायलट थे जो साथ में थे वो पैराशूट से वहां उतर गए और जंगल में दूसरी जगह वो वहां पहुंच गए। वहां अधिकारियों की अगर बात की जाए तो मौके पर अधिकारी मुरैना से निकल चुके हैं, कुछ ही देर बाद वहां अधिकारी वहां मौके पर पहुंचेंगे। स्थानीय पुलिस प्रशासन है वहां मौके पर उपलब्ध है। जी जी, कारण क्या रहे हैं इस हादसे के पीछे, क्या उनका खुलासा हो सका है? देखिए, अभी तक किसी प्रकार की कोई अधिकृत जानकारी या पुष्टि नहीं हुई है, सेना ने किसी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया है, तो इसलिए अभी कोई अधिकृत जानकारी अपन नहीं बता सकते। और जो राहत कार्य है वो उस जगह पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहां से क्या कुछ राहत कार्य किए जा रहे हैं? जी करतार, जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर कौन से जो राहत कार्य हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी निकल के सामने आई है? जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर ये पहाड़गढ़ जो तहसील है उसके पास एक गांव है, वहां पर ये हादसा हुआ है। जंगलों में ये प्लेन जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। अगर उसकी बात की जाए तो सेना के दो हेलीकॉप्टर है वो वहां पहुंच गए। एक हेलीकॉप्टर आसपास वहां उड़ान भर रहा है, एक हेलीकॉप्टर वहां उतर चुका है। इसमें मेडिकल टीम, मेडिकल चेकअप टीम बाकायदा है वो वहां पर। अभी तो हेलीकॉप्टर में जो जिस तरीके से कई काफी दूर इलाके तक उसके जो हिस्से हैं वो वहां फैले हैं, तो उसको वो राउंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिले के आला अधिकारी मौके पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और वहां स्थानीय पुलिस है उसने वहां पर जो ग्रामीण लोग हैं उनको वहां पास ना पहुंचे, इसलिए वहां पर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी, और जो दो बाकी के पायलट है उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? बाकी के जो पायलट हैं वो दोनों ही पायलट ने वहां पर जो पैराशूट है उससे वहां पर पैराशूट खुल गया, उनका पैराशूट से बाहर आ गए, लेकिन उनके छोटी मोटी चोटें आई है। जिस तरीके जंगल में वो पेड़ों के ऊपर गिरे हैं लेकिन वो अभी खतरे से बाहर है, उनके किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी अगर बात की जाए तो कोई भी अधिकृत जानकारी या अधिकृत पुष्टि PRO जो डिफेंस है उसने अभी तक नहीं की है। प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जी जी, तो जो जिनकी इसमें मृत्यु हो गई है उनके बारे में भी कुछ पता चल सका है या फिर उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं निकल के सामने आई? जिनकी मृत्यु इसमें हो चुकी है, जिन पायलट की, उनके बारे में कुछ जानकारी सामने आई है या फिर अभी भी कुछ खुलासा नहीं हुआ?
नहीं हुई है, इसलिए किसी प्रकार का कुछ भी बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा। थोड़ी देर बाद सारी जो परिस्थिति उस क्लियर हो जाएगी, तब कहीं अधिकृत जानकारी बयान आएगा, उसके बाद में कुछ भी बोलना ठीक रहेगा। जी जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दस दिए कि मध्य प्रदेश के मुरैना नेड़े सुखाई ती ते मिराज 2000 जहाज हादसाग्रस्त हो गया। लड़ाकू जहाज जो ने वो हादसाग्रस्त हुए ने। दसा जा रहा है कि तीन पायलट सवार सन, जिस दे विचों एक पायलट की मौके पर मौत हो चुकी है, बाकी दो पायलट दे सट्टा लगियां ने जिन्हों का इलाज जारी है। पैराशूट उन्होंने खुल गए सन जिस कारण उन्होंने जान बच सकी। हालांकि इलाके नू सील कर दिता गया है ता जो लोग आस पास के जो लोग इतने रहते ने उ ना पहुँच सकन। पूर्ण तरीके इलाके नू सील कर दिता गया है। देख सकते हो तस्वीर भी कि जंगली इलाका है, जंगल का इलाका है, आस पास पूरे पेड़ पौधे ने ते पूरी तरीके सील भी इलाके कर दिता गया है। हालांकि जो राहत बचाव कार्य है वह भी जारी है।